get out of the channel. Get out of the channel. You get out of the channel. Get out of the channel. Shut up. Get out of the channel. Get out. Get out. Get out. Shut up. Get out. Idiot. हैदर पहले कहा था कि ताली बजानी है तो ताली बजा ले, रोना है तो रो ले, और जनरल साहब रो रहे बड़े अफसोस की बात। हम के नरेंद्र मोदी टेररिस्ट हो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो, मैं क्रिश्चियंस पे जुल्म नहीं करता, रेप करता अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने नई हुकूमत का ऐलान कर दिया। बड़े अरसे से इसका इंतजार था। 15 अगस्त को जब उन्होंने अशरफ गनी के फरार होने के बाद काबुल पर टेक ओवर किया, और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ये देख रहे थे कि कब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान नए सेटअप अनाउंस करें। उसके बाद फिर अब क्या रिएक्शंस हैं, खासतौर पर ये रीजन कैसे देख रहा है इसको, आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, भारतीय मीडिया बार बार जो पंजशीर के हवाले से गलत रिपोर्ट्स दिखा रहा है, गलत फुटेजेस, वीडियो गेम्स की फुटेजेस दिखाकर पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुज़फ्फर अली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत से मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सेना ने। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। ब्रिगेडियर मुज़फ्फर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर नए अफगान तालिबान के सेटअप के ऊपर, कैसे देख रहे हैं आप सर ये नया सेटअप? देखते हैं जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब
ब्रिगेडियर साहब मैं कतह कलामी की माजद में जनरल सिन्हा को शामिल करता हूँ, उनसे पूछते हैं कि जनरल साहब आप तालिबान ने जो नई सेटअप अनाउंस कर दिया, आप इसको तालिबान गवर्नमेंट नहीं अफगान गवर्नमेंट कहेंगे, ये जो अब अफगान गवर्नमेंट है इस पर जिसमें ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे आप लोग ताली बजा रहे हैं या आप लोग इस पर मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि तालिबान जो सरकार बनाया है ये गैर कानूनी सरकार है, ये सरकार है ही नहीं, ये अफगानी लोगों के प्रतिनिधि नहीं कर सकते, अफगानी लोगों को लोकल पॉपुलेशन का इनके पास मैंडेट नहीं है, इन्होंने गैर कानूनी जोर जबरदस्ती करके पावर हटाया है और जो चुनी हुई सरकार थी उसको फेंका है। अब इसका इसका मैं जो कह रहा हूँ उसका उसका एविडेंस ये है कि अफगानिस्तान में जो औरतें हैं बहने हैं वो रोड पे आ गई हैं, पाकिस्तान डेथ टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की मौत हो ये चिल्लाया जा रहा है, क्योंकि वो समूह के लोकल पॉपुलेशन समझ रहे हैं कि ये जितना उनको कष्ट हुआ है, जितना लड़कियों का बलात्कार हुआ है, औरतों का बलात्कार हुआ है, 12 साल के लड़कियों से ज्यादा का लिस्ट मांगा जा रहा है तालिबान के द्वारा, जिस तरह से बुरका न पहनने पे लड़कियों को गोली से उड़ा दिया जा रहा है, जिस तरह से एक न्यूज रिपोर्टर को हेलीकॉप्टर से लटका के उसको मौत दी जा रही है, उसको समझ में आ गया। जन साहब कथा कलामी की माजरत, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो चीजें आप रिपोर्ट कर रहे हैं ये दुनिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा, ये सिर्फ सिर्फ भारतीय मीडिया सिर्फ ये चीजें दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक मिनट, जन साहब जो आपने जिक्र किया 12 साल से ऊपर की औरतों की लिस्ट का, हमें वो लिस्ट भारतीय मीडिया के अलावा कहीं पर नजर नहीं आई। जो आपने जिक्र किया कि वो रिपोर्टर को लटकाया जा रहा था, वो तो तालिबान का जो वो बदरी 313 फोर्स के कमांडर्स थे वो दिखा रहे थे कि वो किस तरह ताकतवर हैं, वो दिखा रहे, तो वो तो उन्होंने खुद रिलीज की तालिबान ने वीडियो की, ये हमारा कमांडो है जिसको वो लेकर वो उसको हेलीकॉप्टर के साथ वो हैंग करके वो लेकर जा रहे थे, तो ऐसी तो कोई चीज नहीं थी जो आप कह रहे हैं, ये तो सिर्फ भारतीय मीडिया की गलत रिपोर्टिंग है। सच सुनिए 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 सुनिए, सच को झूठ में कन्वर्ट करना आप लोग को आता है, आप उसमें एक्सपर्ट हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले जनरल सिन्हा मुकम्मल कर लो, मेरे को उत्तर तो दीजिए जी। जनरल सिन्हा मुकम्मल, मेरे को अरे भाई यार, ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक मिनट, या तो मुझे आप ये कह रहा था कि तालिबान ने तो कहा था कि अगस्त में सरकार बन जाएगी, अगस्त में बनी नहीं, क्यों नहीं बनी? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, फोर्सेस हैं, जो ग्रुप्स हैं, मुल्ला बरादर की, हकानी नेटवर्क की और कंधार फैक्शन ऑफ तालिबान। अब तीनों चाहते हैं कि उनको मलाई मिले। रूमर तो ये इस तरह से चल रहा था कि मुल्ला अब्दुल घानी बरादर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि जो बरादर है वो बहुत अच्छे काबिल वाले व्यक्ति हैं, मिलिट्री लीडरशिप की उनके पास गुण है, उनकी पकड़ राजनीति पे भी है अच्छी, तो वो तो पाकिस्तान के संगीत पे नाचेगा नहीं, तो एक डमी एक पपेट प्राइम मिनिस्टर को आईएसआई चीफ क्यों आए विजिट के काबुल? वो यही हेराफेरी करने के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया कि तालिबान के जो टॉप सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हबीबुल्लाह अखुजादा, उनको किसी तरह से प्रभावित किया कि आपके जो चाहते हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड, आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनाइए, और वो बस अखुंड जो है वो पाकिस्तान के इशारे पे नाचे, तो वो बस बढ़िया पाकिस्तान समझ रहा है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई समझ रही है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान समझ रहे हैं, भारत का बता दें, मास्टर स्ट्रोक खेला है। अच्छा जनरल साहब भारत का बता दें, भारत क्या समझ रहा है, भारत ताली बजा रहा है, भारत मातम कर रहा है, भारत रो रहा है, भारत क्या कर रहा है? अरे हमको देखिए, हमको हमको राष्ट्रीय हित, हम जानते हैं कि हमको कूटनीति का गेम कैसे खेलना है, कूटनीति में मोदी जी कितने परिपक्व हैं आपसे छुपा नहीं है, आप पाकिस्तान की आईएसआई आर्मी जितना उछलना उछल ले, भविष्य में आपको पता चलेगा कि आप जिस पेड़ पे बैठे हो उस जिस डाली पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो। पहले शरिया लॉ का तो कानून लागू करो पाकिस्तान में, पहले तो लाइन समस्या खत्म करो, ठीक है, चले मुझे समस्या मुझे टीटीपी का भी
ठीक है, की तो बात खत्म करें, चले फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक हो गया ब्रिगेडियर जनफर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखिए मैंने इधर पहले कहा था कि ताली बजानी है तो ताली बजा ले, रोना है तो रो ले, और जनरल साहब रो रहे, बड़े अफसोस की बात। हम क्या के लिए रोएंगे? हम क्या होते हैं अभी रोएंगे? अरे रो, अरे हम क्या रोएंगे? जनरल हमें हमें आसिफ लायर, ही इज अ पार्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नरेंद्र मोदी इज द टेररिस्ट इन द रीजन। इंटर यू शट अप ब्रिगेडियर, यू वेरी कावर्ड ब्रिगेडियर, टाइम्स यू कावर्ड ब्रिगेडियर, चुप कर यू कावर्ड, यू कावर्ड ब्रिगेडियर, you're a non fighter, tu battle se harta hai, battle field se bhagta hai, hari hui army ka brigadier, tu brigadier kaisa hai, tu director jihad hai, director jihad hai, tu director, tu director jihad hai, tu brigadier, tu director jihad hai, tu brigadier rank ko, brigadier rank ko badnaam mat kar, ye jo brigadier jo hota hai, janasena sir, tu army hai nahi, janasena sir, जनरल सेना साहब मेरा ख्याल है अपनी अपनी बारी पर बात करते हैं। जनरल सेना साहब, जनरल सेना साहब अपनी अपनी बारी पर बात करते हैं। जनरल सेना, जनरल सेना अपनी अपनी बारी पर बात करते हैं। मेरा पहले अपनी अपनी बारी पर बात करते हैं। मैंने आपकी बारी में ब्रिगेडियर मुजफ्फर साहब को बोलने नहीं दिया था। जनरल सेना मेरा ख्याल है कि आप ब्रिगेडियर मुजफ्फर साहब को पहले बोल लेने दें, आप ब्रिगेडियर मुजफ्फर साहब को बोल लेने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी बात भी मुकम्मल तौर पर सुनी जाएगी। और जनरल साहब मैं चाह रहा हूँ कि एक एक कर कर बात की जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच या तुम रेप कर रहे हो, एशिया वॉच कहते हैं डायरेक्टर जहादी हो, यू आर रेपिस्ट, यू आर डायरेक्टर जहादी हो, तुम डायरेक्टर जहादी हो, तुम एक कावड़ सेना के तुम जहादी हो, यू आर अ पार्ट ऑफ तुम कावड़ सेना के, मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब जनरल सेना मेरा पहले बारी बारी पर बात करते हैं, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जनरल सेना, ब्रिगेडियर विजनकर साहब काइंडली, जनरल सेना और ब्रिगेडियर विजनकर साहब काइंडली दोनों, ब्रिगेडियर विजनकर साहब, ब्रिगेडियर विजनकर साहब और जनरल सेना साहब काइंडली, जनरल सेना मेरा ख्याल अपनी अपनी बारी पर बात करें तो फिर ज्यादा बेहतर होगा, आवाम तक ऑडियंस तक चीजें पहुंच सकेंगी। ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा जिसका नाम मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं करता, मैं क्रिश्चियन पे जुल्म नहीं करता, सिखों को उनके ऊपर जनरल सेना, जनरल सेना अच्छा चले ब्रिगेडियर जनरल साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर जनरल साहब, जनरल सेना साहब, आप दोनों अगर एक मिनट चुप कर जाएं तो मेरा ख्याल बेहतर तरीके से प्रोग्राम आगे लेकर चल सकेंगे। डायरेक्टर जिहादी, तुम तो झूठ हो, डायरेक्टर जिहादी, यू आर अ
जनरल सेना साहब मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी बारी पर बात की जाए। जनरल सेना और ब्रिगेडियर जनरल साहब, ऐसे किसी किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। हम जो टॉपिक डिस्कस करने बैठे हैं, हमें वो डिस्कस करना है। आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। ब्रिगेडियर जनरल साहब और जनरल सेना साहब, ऐसे किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। ब्रिगेडियर जनरल साहब एक मिनट सर, ऐसे किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही। ऐसे ब्रिगेडियर साहब एक मिनट अपनी अपनी बारी पर बात करते हैं। अच्छा, जनरल सेना साहब और ब्रिगेडियर जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक मिनट, ब्रिगेडियर जनरल साहब सिर्फ एक मिनट, एक मिनट, जनरल सेना साहब और ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर जनरल साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक मिनट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक मिनट, तुम्हारा मीडिया दहशतगर्द, जनरल सेना साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर एक मिनट चुप कर दें, हम बारी बारी पर बात करते हैं। जनरल सेना साहब एक मिनट सिर्फ बारी बारी पर बात करते हैं, ऐसे किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी। जनरल सेना और ब्रिगेडियर जनरल साहब, अगर हम अपनी अपनी बारी पर बात करेंगे तो ऑडियंस को कोई चीज समझ में आएगी, ऐसे किसी को कोई चीज समझ में नहीं आएगी। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, जनरल सेना साहब और ब्रिगेडियर जनरल साहब, जनरल सेना साहब काइंडली एक मिनट अगर आप रुक जाएं तो हम प्रोग्राम के अंदर कोई चीज डिस्कस कर सकेंगे। ब्रिगेडियर जनरल साहब एक मिनट सर, ब्रिगेडियर जनरल साहब, ब्रिगेडियर जनरल साहब सिर्फ एक मिनट, ब्रिगेडियर जनरल साहब और जनरल सेना साहब, जनरल सेना साहब काइंडली एक मिनट अगर आप दोनों चुप कर जाएं, मेरा ख्याल है कि फिर हम कुछ चीज डिस्कस कर सकेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। ऐसे हम ऑडियंस से कुछ कन्वे नहीं कर पा रहे, दोनों जाने के ऑडियंस को हम कुछ कन्वे नहीं कर पा रहे, अगर आप दोनों एक मिनट चुप कर जाएं। आपका मुकम्मल पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। जनरल सेना साहब और ब्रिगेडियर जनरल साहब, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल सुना जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे किसी को कोई चीज समझ नहीं आएगी। ब्रिगेडियर जनरल साहब, ब्रिगेडियर जनरल और जनरल सेना साहब, आप दोनों एक मिनट अगर खामोश कर हो जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक मिनट, ब्रिगेडियर जनरल साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट,
हमारे पास टाइम कम है, हमें और भी चीजें डिस्कस करनी है। जनरल सेना साहब एक सेकंड, जनरल साहब एक सेकंड सिर्फ आप खामोश हो जाएं, मैं आपका मौका पूरी तौर पर सुनता हूँ। एक मिनट आप दोनों खामोश हो जाएं। जनरल यू आर रिक्रूट एसपी सेना।
तू जिहादी है, तू आर रिक्रूटर है, तुम दहशतगर्द हो, तू यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ टेररिस्ट, तू जाहिल है, यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ जिहादी है, कंपल्सिव लायर, तू जिहादी है, कंपल्सिव लायर, यू आर अ कंपल्सिव लायर, यू आर अ कंपल्सिव लायर, you are a compulsive liar, you are a part of a fascist army, you are a part of a rapist army, you are part of a killer army, you are a part of a coward army. जन साहब और ब्रिगेडियर साहब एक मिनट अगर आप दोनों खामोश हो जाएं, जो कश्मीर ब्रिगेडियर का जनरल कर सकती है, ब्रिगेडियर का जनरल साहब एक मिनट कर सकती है सर, ब्रिगेडियर का जनरल साहब एक मिनट क्या करें, ब्रिगेडियर के जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब एक मिनट एक मिनट आप दोनों अगर अपनी अपनी बारी पर बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होता, इस तरह ऑडियंस को हम कोई चीज कन्वे नहीं कर सके। मैं जनरल साहब एक मिनट बिगड़े साहब खामोश हो जाए, अरे वो अभी नंदन को यहाँ ले आए थे, यही करेंगे आपके साथ आइंदा भी। अच्छा बिगड़ी साहब आप एक मिनट अगर खामोश हो जाए, बिगड़ी साहब जनरल साहब अच्छा आप आगे बढ़ते हैं, जनरल सेना साहब पंचेर के ऊपर बात कर लेते हैं, छोड़ दे इसको, जनरल सेना साहब जनरल सेना साहब ऐसे ऐसे मुनासिब नहीं है, ऐसे मुनासिब नहीं है, आप कहेंगी आप कहेंगी छोड़ दे आप से बात नहीं करना चाहता है, ओ यार मैं दोनों जानिब से मुनासिब नहीं है, ये दोनों जानिब से मुनासिब नहीं है कि इस तरह के अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाए। मैंने दोनों मेहमानों को जेन्युइनली प्योरली इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया है। कश्मीर में रेप करते हो, औरतों को पागल बनते हो, ब्रिगेडियर साहब और जनसेना साहब एक मिनट, साल की बच्चियों को रेप करते हो, हमारा हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, जनरल साहब एक सेकंड प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, जनरल साहब एक मिनट, अब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जनरल साहब जनरल सेना साहब ब्रिगेडियर जनफर साहब आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोनों अगर एक एक मिनट खामोश होकर आप दोनों एक एक मिनट खामोश होकर अगर कोई बात करना चाहते हैं, तुम्हारी आर्मी तुम्हारे लोग चिंता मत कर, तू अपना पहले चिंता कर, बहादुर हो तू अपना
तू बहादुर, तू तो कावड़ है। लड़के दिखाओ ना, कौन सी लड़ाई जीता बता। डिक्लेयर किया हुआ है, कौन सा लड़ाई जीता तू बता। लॉर्ड क्यों डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ फौज, कौन सा लड़ाई जीता तू बता। नेपाल ने पास की है, अपना करारदाद पास की है कि काला पानी पे कब्जा किया हुआ है, वो हमारा सॉवरेन इलाका है। अरे जोकर, आप अच्छा जोक सुना। ब्रिगेडियर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जो कहते हैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम का वक्त, जनसेना साहब मेरी जेन्युइनली कोशिश थी कि हम इश्यूज को डिस्कस करते हैं, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर गणपत साहब और जनसेना साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जनसेना साहब हम आज इश्यूज को डिस्कस नहीं कर सके, हमने इश्यूज को डिस्कस करना था, हमने इस रीजन को डिस्कस करना था, हम लोग नहीं डिस्कस कर सके। जनसेना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज की कोशिश तो ये थी कि हम इश्यूज को डिस्कस करते, हम इस रीजन के मसाइल को डिस्कस करते। मैं आखिर में आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप दोनों एक दूसरे को टोके बगैर एक एक मिनट में अपनी बात इस रीजन के हवाले से कुछ करना चाहें। जनसेना साहब आप पहले अपनी बात करें, ब्रिगेडियर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खामोशी से इनकी बात सुने, उसके बाद मैं एक मिनट आपको दूंगा जिसमें मैं जनसेना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंटरप्ट न करें। एक एक मिनट में आप अपनी बात मुकम्मल कर लें प्लीज। नहीं, हैदर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत अच्छे आदमी हो, प्लीज डोंट कॉल दिस जोकर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कॉल मी। जैसे वैसे ये मुनासिब नहीं है, वो मेरे मेहमान है। आप अपनी बात मुकम्मल करें, आप अफगानिस्तान से पहले आप जादी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। जैसे सब पर्सनल अटैक रहने दो, आप नाम बता दीजिएगा। आई डोंट वांट टू डिस्कस, आई डोंट, सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे जोकर के साथ बैठना नहीं चाहता। जैसे सब ये मुनासिब नहीं है, आप अफगानिस्तान से, एंड आई एम कीपिंग द फोन डाउन, इट इज बिलो माय डिग्निटी टू टॉक टू सच कावर्ड्स। जी ब्रिगेडियर गजनफर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ब्रिगेडियर साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? ब्रिगेडियर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर गजनफर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मेरे साथ मौजूद हैं? ओके, मेरा ख्याल है टेक्निकल इन पर शायद कोई मसला है और ब्रिगेडियर साहब अपनी बात नहीं मुकम्मल कर सके। आज जेन्युइनली कोशिश तो यही थी कि हम सिर्फ इश्यूज को डिस्कस करते, इस रीजन के मसाइल को डिस्कस करते, लेकिन हम वो नहीं कर सके। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर रियाज खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।